रिसेंटली आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू लिंक्डइन एंड केम अक्रॉस अ पोस्ट विच वॉज टेलिंग अबाउट रोमन सैनी। उन्होंने 16 की एज में एम्स क्रैक किया, ऑल इंडिया रैंक 15। 22 की एज में IAS बन गए, ऑल इंडिया रैंक 18। 24 की एज में ही बिकेम एंटरप्रेन्योर एंड उन्होंने अन अकेडमी को co-found किया एंड आज के दिन उनकी वर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है। आई ऑल्सो गॉट अ पोस्ट अबाउट जेप्टो के co-founders एंड कैसे उन्होंने 19 के एज में जेप्टो को स्टार्ट किया एंड जेप्टो अब यूनिकॉर्न है। एंड ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज हम लिंक्डइन पे न्यूज आर्टिकल पे यार देखते रहते हैं कि कैसे उसने 25 साल की एज में 8 सोर्सेस ऑफ इनकम बना लिए या हाउ ही बिकेम मिलियनियर एट द एज ऑफ 22 या फिर कैसे उसके स्टार्टअप को $2 मिलियन की या $5 मिलियन की फंडिंग मिल गई या फिर कैसे उसने 22 साल की एज में मचा दिया या फिर अगर हम बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स को भी देखें तो उन्होंने अपनी जो कंपनीज थी वो अर्ली 20s में ही स्टार्ट करी थी। एंड दिस मेक्स मी थिंक एंड समटाइम फील बैड अबाउट माई सेल्फ कि यार 24 का तो मैं भी हो गया हूँ और मैं सच कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मेरी एक ही जॉब है और वही एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो बुरा लगता है यार कभी कभी। एंड रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, डोंट ट्रस्ट योर गट, एंड उसमें यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई थी, बट उसको बताने से पहले आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर ऑन दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस। एवरेज एज ऑफ सक्सेसफुल फाउंडर्स क्या होगी, मतलब द एज एट विच दे स्टार्टेड देयर कंपनी एंड बिकेम सक्सेसफुल लेटर ऑन, तो जिस एज पे उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी होगी अपनी, वो एवरेज एज सक्सेसफुल फाउंडर्स की क्या होगी। तो मैं चाहता हूँ यार तुम इस क्वेश्चन को सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो को पॉज करके कि यार एवरेज एज क्या हो सकती है, 20, 25, 30, 35, 40, 50 क्या होगी। सिंस आपने अब अपना आंसर लिख दिया है तो यार इस क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट डेटा सेज। तो फर्स्ट मीडिया की बात कर लेते हैं, तो बिजनेस मैगजीन्स जिन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज लिखी, उनकी स्टोरीज छापी, उनको फीचर किया, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की अगर एवरेज एज निकाली जाए तो वो सिर्फ 27 निकली। तो इससे पता चलता है यार कि मीडिया अराउंड अस हमें ऐसी स्टोरीज सुनाती है कि हाउ दिस 25 ईयर यंग मैन बिकेम मिलियनियर, बिकॉज ये स्टोरीज जो है यार वो काफ़ी सेक्सी सी होती हैं एंड दे अट्रैक्ट एंड अमेज यूजर्स। तो मीडिया की स्टोरीज को साइड में रखते हैं एंड लेट्स लुक एट द ट्रू पिक्चर दैट डेटा सेज। सो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च के हिसाब से द एवरेज एज ऑफ सक्सेसफुल फाउंडर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर कंपनीज इज 45। दैट्स इट, द एवरेज एज इज 45। एंड इफ़ यू थिंक यार इस जो रिसर्च है इसमें ऐसी कंपनीज इंक्लूड नहीं करी गई होंगी जो टिपिकल स्टार्टअप की तरह फंक्शन करती हैं, लाइक जो हैवीली टेक ड्रिवन होती हैं एंड जिनमें VC फंडिंग होती है एंड जिसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, तो अगेन आंसर इज नो। द एवरेज एज ऑफ हाई टेक फाउंडर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज इज अगेन 40। सो ऐसा नहीं है कि यार टेक जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें सिर्फ यंगर लोग मिलते हैं, ओल्डर लोग भी मिलते हैं, दैट्स वाई द एवरेज इज 40। नाउ यू कैन लुक एट दिस ग्राफ एंड सी कि यार द चांसेस ऑफ सक्सेस एज ए स्टार्टअप फाउंडर इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज ऑफ योर एज। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, सो द थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे हेयर इज दैट जॉब करना बुरी बात नहीं है। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब इन एनी इंडस्ट्री एंड गेटिंग वर्क एक्सपीरियंस देन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें यार कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है 5 साल 10 साल डाउन द लाइन, अगर आप उसी इंडस्ट्री का वर्क एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप उसी इंडस्ट्री का एक स्टार्टअप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर। एंड यू डोंट नीड टू फील सैड और बैड अबाउट योर सेल्फ कि यार लिंक्डइन पे हम देख रहे हैं या फिर मीडिया में हम देख रहे हैं कि यार 25 साल की एज में ही बिकेम एंटरप्रेन्योर या उसको $1 मिलियन की फंडिंग मिल गई और हम तो ऐसा सच कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मीडिया की यार आदत है कि वो गिनी चुनी स्टोरीज़ को हैंड पिक करके बार बार सुनाती रहती है और वो ऐसी ही स्टोरी सुनाती है जिससे उसको अट्रैक्शन मिले और ऐसी ही स्टोरी बेसिकली दिखती है। और ये स्टोरीज़ देख के कि 25 साल की एज में उसने ये कर लिया वो कर लिया, उसको देख के अगर आपको लगता है कि यार मैं तो लेट हुआ जा रहा हूँ, मैं तो 24-25 का ऑलरेडी हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वेल एबव एवरेज। और अगर आप यार एवरेज देखोगे इंडस्ट्री पे तो 40 है ऑलरेडी, तो यू कैन ऑलवेज डू इट और एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यार अच्छा लगा हो और अभी तक देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।